हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल और आपका कुक विद पारुल में बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी ब्रेड की केक। आज जो मैं केक बनाने जा रही हूँ वो मैं बना रही हूँ लेफ्ट ओवर ब्रेड से। जी हाँ, लेफ्ट ओवर ब्रेड से बहुत ही बढ़िया केक बन जाती है, बहुत ही इंस्टेंट, और वो भी कुकर में, बिल्कुल एगलेस, नो बेकिंग। आप कुकर में ही बहुत ही आसानी से घर के ही सामान से ब्रेड की केक बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है लगभग एक बाउल, आप देख सकते हैं इतना बड़ा। ये बची हुई ब्रेड है, जैसे हम जो भी स्नैक्स बनाते हैं ब्रेड का, जनरली इस टाइप के साइड्स हम लोग हटा देते हैं, जिसको कि मैंने इकट्ठा करके फ्रिज में रख लिया था। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस एक बोल ब्रेड के जो मैंने पीसेस लिए हैं लेफ्ट ओवर, इनको मैं मिक्सी में पीस लेती हूँ और इसका एक क्रम तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए, मैंने सारे पीसेस को अच्छी तरीके से मिक्सर जार में पीस लिया है और इस टाइप का ब्रेड क्रम तैयार हो गया है। तो इस तरीके से लेफ्ट ओवर ब्रेड के पीसेस को मैंने प्रिपेयर कर लिया। अगर आपके पास लेफ्ट ओवर पीस नहीं है, ब्रेड के बचे हुए नहीं है, तो आप इस टाइप की ब्रेड जो घर में होती है आप उससे भी पीसेस करके, मिक्सी में पीस करके इस टाइप का ब्रेड क्रम बना सकते हैं। और ब्रेड आप कोई भी ले सकते हैं, सैंडविच ब्रेड ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, बीट ब्रेड ले सकते हैं। ये जितने ब्रेड क्रम हैं ये लगभग इस कप से 2 कप हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप मैदा, यानी ऑल पर्पस फ्लोर, ये मैंने 1 कप लिया है, लगभग 250 ग्राम। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप चीनी का पिसा हुआ पाउडर, आप यहाँ पर पूरा भी डाल सकते हैं। मैंने चीनी को मिक्सी में पीस लिया है और इसको भी मैं 1 कप ले रही हूँ, 250 ग्राम के करीब। अब इसमें हम डालेंगे 2 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा यानी खाना सोडा। अब सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को जो हमने यहाँ लिए हैं उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही आसान है इसको बनाना। अब जब भी नेक्स्ट टाइम आपके ब्रेड के पीसेस बचे तो आप फेंकिए मत, उससे केक बनाइए झटपट कुकर में, और घर के ही सामान से इजीली बन जाती है और इसमें कोई मेहनत भी नहीं है। अब इसमें हम डालेंगे लगभग 2 कप मिल्क, और ये जो मैंने दूध लिया है बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर है, ना गर्म है ना ठंडा है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे और एक इसका गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। एक साथ मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कीजिएगा, जितनी जरूरत है उतना ही लीजिएगा। थोड़ा सा दूध और डालते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच देसी घी, आप चाहें तो मेल्टेड बटर भी ले सकते हैं, आप मक्खन को पिघलाकर भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर घी लिया है। लगभग 4 चम्मच घी पड़ गया है और 2 कप दूध लगा है। अब इसमें हम डालेंगे 1 बड़ी चम्मच वनीला एसेंस, ये ऑप्शनल है, लेकिन ये आप डालेंगे तो केक में बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा और बढ़िया लगेगी, तो ये आप जरूर डालें। अच्छी तरीके से मैंने वनीला एसेंस को भी मिक्स कर दिया है। यहाँ पर आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं इसके अंदर, चाहे आप टूटी फ्रूटी ले लें। मैं टूटी फ्रूटी डालूंगी तो मैं डेकोरेशन में डालूंगी, इसको हम ऐसे ही पेस्ट को रखेंगे। तो ये बैटर जो आप देख सकते हैं, आप इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल केक के लिए जैसे तैयार करते हैं वैसे ही हमें इसको तैयार करना है। अब हम गैस पर कुकर चढ़ाएंगे और कुकर मैंने खाली रखा है अंदर से इस तरीके से, और इसमें अब हम एक इस टाइप का स्टैंड रखेंगे। आप देख सकते हैं मैंने ये एक स्टैंड रख दिया है, कोई भी स्टैंड आप इसके अंदर रख सकते हैं, क्योंकि हमें केक का टिन इसके ऊपर रखना है। कुकर मैंने खाली रखा है और इसको 5 मिनट अच्छा गर्म होने देंगे कुकर को। अब हम लेंगे एक इस टाइप का बर्तन, ये मैंने टिन लिया हुआ है, ये कुकर के साथ ही आया था, आप कोई भी स्टील की प्लेट या एल्युमिनियम का कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं, और उसको इस तरीके से ब्रश से ग्रीस कर लें। ये मैं घी से इसको पूरा चिकना कर रही हूँ अंदर से, जिससे केक चिपके नहीं, आसानी से बाहर आ जाए इस तरीके से। अब टिन में हम ये थोड़ी सी मैदा डस्ट करेंगे जिससे केक चिपकेगी नहीं, इस तरीके से अच्छी तरीके से इसको टैप कर करके घुमा घुमा करके डस्ट कर लीजिए। देखिए इस तरीके से टैप करते जाइए और जो भी एक्स्ट्रा मैदा इसमें आएगी उसे वापस अलग कर देंगे।
इसे मैं निकाल देती हूँ। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी टूटी फ्रूटी, इस तरीके से, जिससे कि केक सुंदर लगे। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, जैसे बादाम, काजू, किशमिश, जो भी आपको अच्छा लगे। और टूटी फ्रूटी बहुत आसानी से किसी भी जनरल स्टोर पे, ग्रोसरी स्टोर पे मिल जाती है और बच्चों को भी बहुत अट्रैक्टिव लगती है ये। अब बैटर को हम पूरे टिन में ट्रांसफर कर देते हैं, इवनली ट्रांसफर करेंगे। ये देखिए, मैंने बैटर को पूरा ट्रांसफर कर लिया है टिन में, और अब इसको हम धीरे धीरे टैप करेंगे, जिससे कि ये पूरा स्मूथ सरफेस हो जाए, एकदम चिकना हो जाए। देखिए, इस तरीके से ये पूरा इवन हो गया है, एकदम ऊपर से बराबर। और अब मैं थोड़ी सी टूटी फ्रूटी ऊपर से भी डाल देती हूँ, जिससे ये सुंदर लगे। ये देखिए, केक भी सज गया और कुकर भी गरम हो चुका है। कुकर बिल्कुल गरम हो गया है, अच्छी हीट इसमें से आ रही है। स्टैंड मैंने लगा दिया है और फ्लेम को लो कर दिया है अब मैंने, क्योंकि ये गरम है काफी। धीरे से टिन को इसमें रख देंगे और अब इस पर लिड लगाएंगे। लिड पर हमें बिल्कुल भी सीटी नहीं लगानी है, सीटी मैंने निकाल दी है, विसल अलग है। रबर मैंने लगा रखी है, रबर को मैंने नहीं हटाया है, क्योंकि अगर मैं रबर हटा दूंगी तो ये ज्यादा टाइम लेगी पकने में, बेकिंग में इसमें ज्यादा समय लगेगा, इसलिए रबर मैंने नहीं हटाई है। रबर लगी हुई है, विसल मैंने हटा दी है। तो अब इसका लिड लगा देते हैं, फ्लेम को बिल्कुल सिम कर देंगे और अब 30 से 35 मिनट के लिए इसको सिम फ्लेम पर, बिल्कुल लो मैंने फ्लेम कर दी है, पकने देंगे। 30 मिनट के बाद मैं इसको एक बार खोल के चेक करूंगी, अगर ये पक गई होगी तो हम निकाल लेंगे, और अगर ये नहीं हुई भी होगी पूरी तरीके से बेक, तो फिर हम 5 मिनट के लिए और रखेंगे। ये पता करने के लिए कि अंदर से पकी है या नहीं, तो आधे घंटे बाद मैं इसमें एक नाइफ डालकर देखूंगी। अगर चाकू मेरा साफ निकलता है उसमें से, इसका मतलब मेरी केक अंदर से पक चुकी है, और अगर नाइफ पर बैटर लग कर आता है तो इसका मतलब केक अभी नहीं पकी है, तो हम 5 मिनट और रखेंगे। तो अभी इसको मैं आधे घंटे के लिए लो फ्लेम पर रख देती हूँ। लगभग आधा घंटा हो चुका है, गैस को ऑफ कर देते हैं और एक बार केक को चेक कर लेते हैं। वाव, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है केक, और बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि ये तैयार है। तो चलिए एक बार नाइफ से चेक करते हैं। इस तरीके का साफ नाइफ लेंगे और इसको डालकर देखेंगे कि ये केक सेट हुई है या नहीं। ये देखिए, नाइफ बिल्कुल क्लीन है, इसका मतलब केक बिल्कुल अंदर से पक गया है। तो अब इसको 5 मिनट के लिए बंद कर देते हैं, ऐसे ही फ्लेम मैंने बिल्कुल बंद कर दी है, और थोड़ा ठंडा होने देते हैं। मैं केक को निकाल लेती हूँ। आप देख सकते हैं केक कितनी बढ़िया बनी है और बहुत ही देखने में सुंदर। अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए थोड़ा ठंडा होने देते हैं और उसके बाद इसको हम निकालेंगे, तब तक ये बिल्कुल सेट हो जाएगी। अब ये थोड़ी ठंडी हो गई है, तो इसकी साइड को इस टाइप का एक चाकू लें और धीरे धीरे अलग करें। इस तरीके से, और अब इसको हम एक प्लेट में निकालेंगे। तो मैं एक प्लेट लेती हूँ और अब इसको हम इस तरीके से टर्न करेंगे संभल कर। ये देखिए, नीचे से भी काफी बढ़िया बेक हो गई है, और धीरे से इसको वापस टर्न करते हैं। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया केक तैयार, और वो भी मिनटों में। तो देखिए, ब्रेड की केक बिल्कुल रेडी है। लेफ्ट ओवर ब्रेड की इंस्टेंट केक कुकर में आप एक बार जरूर ट्राई करें, और नेक्स्ट टाइम याद रखिएगा, बिल्कुल अब ब्रेड की एजेस को फेंकिएगा मत, उसको यूज कीजिए इस तरीके से केक बनाने में। और मैं आपको दिखाती हूँ छूकर, आप देख सकते हैं कितनी फ्लफी बनी है, और इसके अंदर हमने कोई भी ऐसी चीज यूज नहीं की जिसके लिए आपको स्पेशली मार्केट से खरीद कर लाना पड़े। किचन में जो सामान होता है उसी से ये झटपट तैयार हो गई। तो मैं इसको करती हूँ कट, और ये देखिए कितनी फ्लफी बनी है ये।
इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया केक बनी है, आप देख सकते हो ये कितनी स्पॉन्जी बनी है। ये देखिए छूने से, तो एक बार आप इसको जरूर ट्राई करें। तो मैं एंजॉय करती हूँ मेरे बेटे के साथ इस केक को, और आप बनाइए मेरी रेसिपी से और एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। Hope you like this recipe. Your views matter to me. Your encouragement support means lot to me. So please click the subscription button and share the videos, watch the videos. Keep watching. Enjoy Smart Cooking with Cook with Paru.